सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। गुरुवार की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। सर्दी के सितम को देखते हुए भदोही जिले के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। भदोही जिले के डीएम गौरांग राठी ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के समय में 30 दिसंबर तक बदलाव किया है। यह आदेश कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों के लिए दिया गया है। डीएम गौरांग राठी ने बताया कि बढ़ते ठंड व कोहरे के मद्देनजर भदोही जिले के सभी परिषदीय प्राथमिक पूर्व माध्यमिक सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। अब विद्यालय सुबह 9:30 बजे से 3 बजे तक संचालित किए जाएंगे। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौरी रोड के जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी मोड़ के समीप बाइक व एक मोपेड में टक्कर हुई है। दोनों वाहनों पर सवार कुल 4 लोग घायल हुए हैं। जौनपुर के जमालापुर निवासी सोनू सोनकर व पिंटू सोनकर बाइक से चौरी बाजार की तरफ जा रहे थे, जबकि मोड़ के करियाव निवासी सोमनाथ नामक व्यक्ति मोपेड से अपने परिवार की अंजलि नामक एक महिला को चौरी रोड जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी पेट्रोल पंप के समीप एक हॉस्पिटल में इलाज कराने आया था। जैसे ही हॉस्पिटल से निकला तभी बाइक व मोपेड में टक्कर हो गई। हादसे में सेरू सोनकर, पिंटू सोनकर, सोमनाथ व अंजलि घायल हो गई। सभी घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी होने की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग के रुख का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ऐसे में भदोही जिले में विभिन्न राजनीतिक दलों में चुनावी सरगर्मी खूब देखने को मिल रही है। उधर भदोही जिले के नगर पालिका परिषद गोपीगंज भदोही व नगर पंचायत खमरिया घोसिया नई बाजार सूर्यामा ज्ञानपुर जैसे सीटों पर अध्यक्ष पद के लिए खासकर सपा भाजपा व बसपा ऐसे प्रत्याशियों की तलाश में है जो टिकाऊ के साथ जिताऊ भी हो। टिकट को लेकर सबसे ज्यादा घमासान सपा व भाजपा में मचा हुआ है। सपा से जहां पूर्व जिला अध्यक्ष विकास यादव की पत्नी पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनीता यादव व सपा के बड़े नेता आरिफ सिद्दीकी सहित कईयों ने दावेदारी ठोकी है, तो वहीं भाजपा से विनीत बर्नवाल, शिवशंकर यादव, डॉक्टर अश्विनी कुमार मौर्य, शीतला प्रसाद पटेल व श्याम नारायण यादव समेत कईयों ने टिकट मांगा है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से अशोक कुमार जायसवाल अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं। चेयरमैन अशोक जायसवाल अपना टिकट पक्का मानकर चल रहे हैं। टिकट के दावेदारी पर कौन भारी पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आने वाले दिनों में भदोही जिले को ठंड सताएगी। इस बीच कोहरे के भी आसार रहेंगे। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक आने वाले दिनों में दिन का तापमान 22 व रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस दौरान कोहरा भी नजर आएगा। आने वाले दिनों में घने कोहरे की संभावना बनी हुई है और धूप देर से निकलने की जानकारी दी गई है। उधर पशुपालक भाइयों को सलाह दी गई है कि इन दिनों कोहरे व ठंडी हवाओं को देखते हुए पशुओं पर विशेष ध्यान दें। चोरी का सामान बेचने जा रहे एक सातिर चोर को सूर्यामा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रात में गश्त के दौरान निरंकारी सत्संग भवन के समीप से चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सूर्यामा के उप निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव, हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह व सुनील सिंह रात्रि गश्त पर थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ सातिर चोर चोरी का सामान लेकर बेचने जा रहे हैं। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, दो सातिर चोर फरार हो गए, जबकि सूर्यामा पुलिस ने चकचंदा निवासी भूपेश मिश्रा को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से चोरी का इन्वर्टर, पंपिंग सेट, इन्वर्टर बैटरी व एक छोटी बैटरी बरामद किया है। सूर्यामा पुलिस ने सातिर चोर को जेल भेज दिया है।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चार पदों पर हुए चुनाव की मतगणना में अध्यक्ष पद का ताज एडवोकेट रविंद्रनाथ मिश्रा के सिर पर सजा है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर प्रकाश कुमार तिवारी ने जीत हासिल की है। महासचिव के पद पर एडवोकेट संतोष कुमार दुबे विजयी घोषित किए गए हैं। कोषा अध्यक्ष के पद पर एडवोकेट महेश कुमार मिश्रा ने बाजी मारी है। एल्डर्स कमेटी के देखरेख में मतगणना सकुशल संपन्न हुई है। मतगणना को लेकर जहां सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए थे, वहीं पूरे दिन गहमा गहमी मची रही। एल्डर्स कमेटी के सदस्य एडवोकेट मोहनलाल मिश्रा ने बताया कि अध्यक्ष पद पर रहे एडवोकेट कृष्ण कुमार श्रीवास्तव को 94 मत, मूलचंद यादव को 87 व रविंद्रनाथ मिश्रा 754 मत पाकर विजयी घोषित हुए हैं। जीत की घोषणा होते ही समर्थकों ने अध्यक्ष को फूल माला पहनाकर बधाई दी है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर कांटे की टक्कर रही। 290 मत पाकर जहां वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट प्रकाश कुमार तिवारी ने जीत दर्ज की है, वहीं मात्र 10 मतों से एडवोकेट आलोक कुमार दुबे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का चुनाव हार गए हैं। इसी तरह वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए विजेंद्र कुमार सिन्हा को 183, श्याम नारायण प्रजापति को 127 व शिव कुमार शर्मा को 76 मत मिले हैं। महासचिव पद पर एडवोकेट संतोष कुमार दुबे ने 523 मत पाकर विजय पताका फहराया है, जबकि 341 मत पाकर एडवोकेट सुरजीत सिंह दूसरे स्थान पर रहे। वहीं रामाशंकर यादव को 149 मत पाकर संतोष करना पड़ा। इसी तरह कोषाध्यक्ष पद पर महेश कुमार मिश्रा विजयी हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इस चुनाव में 6 पदों पर निर्विरोध का जलवा रहा। इन पदों के लिए कचहरी के अधिवक्ताओं ने भरोसा जताते हुए निर्विरोध निर्वाचित कर इनके सिरों पर ताज सजा दिया है। उपाध्यक्ष 10 वर्ष से ऊपर के लिए एडवोकेट शिव कुमार पाठक, पुनीत कुमार पांडे व 5 वर्ष से 10 वर्ष के लिए विजय कुमार मिश्र व श्वेतांब ऋषि श्रीवास्तव को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। इसी तरह संयुक्त सचिव के पद पर एडवोकेट विनोद कुमार सोनकर सहित अनिल गुप्ता, अखिलेश कुमार पांडे को चुना गया है। आय व्यय निरीक्षक के पद पर एडवोकेट कृष्ण कुमार तिवारी वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य में रामाशंकर यादव, मुन्नर राम यादव, अनिल कुमार श्रीवास्तव, रतीश कुमार श्रीवास्तव, सुधाकर प्रसाद पांडे व जितेंद्र कुमार निर्विरोध चुने गए हैं। कनिष्ठ कार्यकारी सदस्य के पद पर एडवोकेट सौरभ कुमार, सचिन कुमार यादव, अखिलेश कुमार व सौरभ पांडे पर भरोसा जताते हुए अधिवक्ताओं ने निर्विरोध का ताज पहनाया है। भदोही तहसील के लेखपालों ने तहसील परिसर में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपने कामों को करते हुए उपजिलाधिकारी व तहसीलदार भदोही को पत्र सौंपते हुए मांगों के निस्तारण की मांग की है। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जिला उपमंत्री व कार्यवाहक मंत्री बिमलेश मौर्या के नेतृत्व में लेखपालों ने पहले एक बैठक की, उसके बाद अपने हाथ के बांहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। कहा कि भदोही तहसील में लेखपालों का उत्पीड़न किया जा रहा है, लेखपालों के मांगों पर अधिकारी गौर नहीं कर रहे हैं। कुल 8 सूत्री मांग पत्र लेखपाल संघ ने सौंपा है। रेलवे की आरपीएफ व जीआरपी पुलिस के संरक्षण में टिकट दलाली का खेल बेखौफ जारी है। यात्रियों की जेब काटकर टिकट दलाल व रेलवे पुलिस मालामाल हो रही है। टिकट दलाली का यह खेल ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर बेखौफ जारी है, लेकिन रेलवे विभाग के उच्च अधिकारी इस मामले को लेकर पूरी तरह मौन है। इलाके के सर्वोदय पांडे, टिंकू, सचिन महेंद्र ने बताया कि ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर टिकट दलाल बेखौफ दलाली कर रहे हैं। रात 8 बजे से आकर टिकट दलाल जम जाते हैं। कहा कि मुंबई, सूरत, चेन्नई के टिकट की दलाली बेखौफ की जा रही है। 700 का टिकट 3000 रुपए में बेचे जाते हैं। अगर यात्री टिकट लाइन में खड़ा होता है तो टिकट दलाल रेलवे पुलिस की मिली भगत से उन्हें मारपीट कर कतार से भगा देते हैं। खिड़की पर कतार में खड़े लोगों को धमकी देकर भगाया जाता है। गोपीगंज रोड रेलवे स्टेशन पर टिकट दलाल बेखौफ हैं। रेलवे पुलिस के संरक्षण में टिकट दलाली का खेल जारी है।
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भदोही शहर के रसपुरा में बीड़ा मार्ट का निर्माण कराया गया है। इस मार्ट के आवंटियों से सुविधाओं के नाम पर भारी भरकम सर्विस चार्ज लिया जाता है, लेकिन भदोही शहर के रसपुरा पर मौजूद इस बीड़ा मार्ट में समस्याओं का अंबार है। समस्याओं से परेशान आवंटियों ने भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा कि बीड़ा मार्ट में भीषण गंदगी है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, शौचालय की हालत ऐसी है कि इसमें जानवर भी जाना पसंद नहीं करेगा, साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चंद यादव ने बीड़ा मार्ट में मौजूद समस्याओं को दूर कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले के किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने भदोही रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करते हुए हुंकार भरी है। किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व रेल संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर चंद त्रिपाठी के नेतृत्व में किसानों ने भदोही रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र भेजा है। प्रदर्शन करते हुए किसान नेताओं ने सूर्यामा ब्लॉक के मनैया ड्रेन की सफाई कराने की मांग रखी है। साथ ही पूर्व में अभोली ब्लॉक के जलजमाव से बर्बाद हुई किसानों की फसलों के मुआवजा दिए जाने की भी मांग की गई है और किसानों के निजी नलकूपों की बिजली बिल माफ करने के साथ साथ छुट्टा पशुओं से निजात दिलाए जाने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। इस मौके पर किसान नेता सालिकराम यादव, रामबाबू बिंद, मनीलाल आदि मौजूद रहे। ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते अभोली विकास खंड के ग्राम सभा कनकपुर मेढ़ी खेल मैदान में लगा हैंडपंप एक साल से खराब पड़ा है। इलाके के मनीष सिंह, अजीत सिंह, शशि सिंह, राजेश सिंह, रोहित सिंह ने बताया कि खराब पड़े हैंडपंप की शिकायत कई बार ग्राम प्रधान से की गई, लेकिन हैंडपंप को ठीक नहीं कराया जा रहा है, जबकि मेढ़ी मैदान इलाके का चर्चित खेल मैदान है। यहां सुबह शाम बच्चे खेल अभ्यास के लिए पहुंचते हैं। खराब पड़े हैंडपंप की मरम्मत की मांग को लेकर इलाके वासियों ने प्रदर्शन करते हुए एक साल से मरम्मत के अभाव में खेल मैदान में खराब पड़े हैंडपंप को ठीक कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर की रहने वाली मीरा देवी, गुड्डी शकुंतला, कृष्णदेव पाल, लालमणि प्रजापति आदि ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए पट्टे की भूमि पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि गांव के कुछ लोग जबरन पट्टे की भूमि पर कब्जा करने के फिराक में हैं। कहा कि कब्जा करने वाले काफी दबंग किस्म के लोग हैं। शिकायती पत्र देते हुए पीड़ित महिलाओं ने कहा कि वह बेहद गरीब हैं और कुम्हारी माटी कला का काम कर परिवार का पेट पालती हैं, लेकिन गांव के ही कुछ दबंग किस्म के लोग उनके पट्टे शुदा भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए पीड़ित महिलाओं ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भदोही के सरोही हृदय पट्टी इलाके में बेखौफ अवैध मिट्टी खनन का कारोबार फल फूल रहा है। ग्रामीण इलाकों में अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर तेज रफ्तार के साथ दौड़ रहे हैं। ग्रामीणों को हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। हृदय पट्टी सहित आसपास के इलाकों में बेखौफ अवैध मिट्टी खनन का कारोबार फल फूल रहा है। नौसिखिए चालकों द्वारा ट्रैक्टरों को ग्रामीण इलाके की सड़कों पर सरपट दौड़ाया जा रहा है, जिससे बराबर हादसे की आशंका बनी रहती है। इलाके वासियों ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए भदोही के सरोही में हो रहे अवैध मिट्टी खनन को रोके जाने की मांग की है। भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले ममहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात रहे डॉक्टर धनेश कुमार पटेल को शासन ने निलंबित कर दिया है। इस वक्त डॉक्टर धनेश कुमार पटेल जौनपुर जिले में तैनात हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि शासन ने डॉक्टर धनेश कुमार पटेल को निलंबित करते हुए भदोही सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अमरनाथ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीएमओ ने बताया कि धारा 420, 504, 506 जैसे मामलों में डॉक्टर धनेश कुमार पटेल जिला कारागार नैनी प्रयागराज में बंद थे और इस पूरे मामले को छिपाते हुए सीएससी अधीक्षक भदोही डॉक्टर अमरनाथ ने उस अवधि का वेतन जारी कर दिया था। इस मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है।
सीएमओ ने बताया कि जहां डॉक्टर धनेश कुमार पटेल को निलंबित कर दिया गया है, वहीं भदोही सीएससी अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। भदोही तहसील में बढ़ते भ्रष्टाचार व दलालों के बढ़ते दायरे को लेकर भदोही तहसील बार एसोसिएशन का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। भदोही तहसील में दलालों के बढ़ते दायरे का खामियाजा तहसील के अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को भी भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने पहले एक बैठक की, उसके बाद नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि तानाशाही रवैये के चलते भदोही तहसील में भ्रष्टाचार के साथ साथ दलालों का दायरा बढ़ा है। बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने एडवोकेट दिवेश के बड़े भाई के निधन पर शोक भी व्यक्त किया है। इस मौके पर भदोही तहसील के तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। भदोही जिले के दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। नव निर्वाचित पदाधिकारियों व सदस्यों ने वकीलों के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। जिला मुख्यालय स्थित दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी हॉल में निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारी व सदस्यों को अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने शपथ दिलाई है। अध्यक्ष पद पर एडवोकेट मधुसूदन पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष माता दुलार पांडे, उपाध्यक्ष पद पर मनोज कुमार, सत्य कुमार दुबे, नीलेश कुमार सिंह, चंद्र प्रकाश पांडे व महासचिव पद पर श्याम लाल यादव सहित संयुक्त सचिव के पद पर सुरेंद्र कुमार, आशीष कुमार राय, विकास कुमार पांडे को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार तिवारी को बनाया गया है। इसी तरह प्रबंध कार्यकारी सदस्य में 12 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव हुआ है। गोपीगंज सेंट थॉमस स्कूल में वार्षिक मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जहां स्कूल के बच्चों ने एक से बढ़कर एक हुनर का प्रदर्शन कर लोगों का मन मोह लिया और खूब तालियां बटोरी। मेला व प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि रहे डीएम गौरांग राठी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने फीता काट कर किया है, जहां बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी। स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी सैम अब्राहम ने मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य वृंदा सैम सहित शिक्षक व अभिभावक गण मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह अमीन संघ का 64वां स्थापना दिवस ज्ञानपुर तहसील में मनाया गया। यह स्थापना दिवस संघ के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में मनाया गया। इस दौरान एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। स्थापना दिवस कार्यक्रम में भदोही, ज्ञानपुर व औराई तहसील से काफी संख्या में संग्रह अमीन पहुंचे थे। इस दौरान संघ के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र श्रीवास्तव ने संघ को मजबूत करने पर चर्चा की। कहा कि एकजुटता से ही कर्मचारियों के हक की लड़ाई आसानी से लड़ी जा सकती है। इस मौके पर विद्याधर चौबे, सिलवंत योगेश तिवारी, सत्येंद्र शुक्ला, राजपति सरोज आदि संग्रह अमीन मौजूद रहे। एक हफ्ते के आश्वासन के बाद गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के पदाधिकारियों का भूख हड़ताल समाप्त हो गया। धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने प्रदेश संयोजक महेंद्र कुमार सिंह ध्रुवे को जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त कराया है। एक हफ्ते के आश्वासन के बाद गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया है। आपको बता दें, गोंड जाति प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर पदाधिकारी ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। भूख हड़ताल के तीसरे दिन समर्थन में अनिल कुमार गोंड, बलदेव, आशीष नंदलाल, रमेश गोंड, राम बालक आदि पहुंचे थे। गोपीगंज के चकमानधाता खेल स्टेडियम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राष्ट्रीय जेंडर अभियान के तहत बालक व बालिकाओं का समूह स्तरीय वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सीडीओ भानु प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल की शुरुआत की। इस दौरान सीडीओ ने कहा कि महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को रोकने के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।
कार्यक्रम के अंत में विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने सम्मानित भी किया है। इस मौके पर जिला युवा कल्याण अधिकारी दिनेश कुमार त्रिपाठी सहित अनूप श्रीवास्तव, राहुल त्रिपाठी, सौरभ सिंह, सुरेंद्र आदि मौजूद रहे। अगर आपके पास भी है कोई खबर या फिर आपके क्षेत्र, गली, मोहल्ले, शहर, कस्बे की है कोई समस्या तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए हम चैनल पर लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप सत्यवीर सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।